गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। तीन दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। बुधवार को गोरखपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। 14 को चढ़ाएंगे गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी। चंपा देवी पार्क में आयोजित दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का मंगलवार को हुआ रंगारंग आगाज। पर्यटन मंत्री ने किया महोत्सव का उद्घाटन। कहा, संस्कृति कला और साहित्य के संरक्षण व संवर्धन में सहायक होगा महोत्सव, दी शुभकामनाएं। गोरखपुर महोत्सव में शामिल होने पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पत्रकारों से हुए रूबरू। कहा, हट धर्मिता से नहीं चलता देश, आंदोलनकारी सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं। गोरखपुर महोत्सव में लगाए गए कृषि मेले का प्रदेश के कृषि मंत्री एवं पर्यटन मंत्री ने फीता काट कर किया उद्घाटन। सभी स्टॉलों का किया निरीक्षण। कहा, मेले में किसानों को मिलेगी उत्तम तकनीकी से कृषि की जानकारी। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीआईजी एसएसपी ने मेले ड्यूटी में लगाए गए पुलिस कर्मियों को किया ब्रीफ। कहा, मेला परिसर में सुरक्षा का रखे विशेष ध्यान, श्रद्धालुओं की सुविधा में ना होने पाए कोई असुविधा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद की जयंती मकर संक्रांति पर मंगलवार को एमपी इंटर कॉलेज के प्रांगण में जनसभा का हुआ आयोजन। विवेकानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। चंपा देवी पार्क में आयोजित दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जन्म के पूर्व नवजात को दिए गए अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मामले पर बच्चे के पिता अभिषेक कुमार पांडे ने जांच किए गए अल्ट्रासाउंडों पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, गलत नामों से चल रहे कई अल्ट्रासाउंड सेंटर, जांच की मांग। दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव 2021 के पहले दिन विज्ञान प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने रिबन काट कर किया उद्घाटन। निरीक्षण कर प्रतिभागियों का किया उत्साहवर्धन। स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया युवा उद्यमी सम्मान समारोह का आयोजन। बेहतर कार्य करने वाले उद्यमियों को किया सम्मानित। गोरखपुर महोत्सव के तहत एनएक्सी भवन के सभागार में नाथ पंथ एवं लोक सरोकार विषय पर आयोजित हुआ संगोष्ठी और वेबिनार। वक्ताओं ने कहा, 9वीं और 10वीं शताब्दी में नाथ पंथ के योगी मत्स्येन्द्र नाथ और महायोगी गुरु गोरखनाथ ने किया था प्रवर्तन, मानव सेवा ही रहा मूल उद्देश्य। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 15 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,261। अब तक 352 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 228 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। गोरखपुर महोत्सव के कार्यक्रम स्थल पर जिला प्रोविजन कार्यालय के तत्वावधान में मिशन शक्ति के अंतर्गत लगाया गया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का स्टॉल। बेटियों की शिक्षा के प्रति लोगों को किया जा रहा है जागरूक। जिलाधिकारी के निर्देश पर गोरखपुर महोत्सव में लगाया गया आपदा प्रबंध प्राधिकरण का स्टॉल। लोगों को आपदा से बचाव की दी जा रही है जानकारी। दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में सुरक्षा के किए गए हैं व्यापक प्रबंध। सीओ कैंट ने कहा, सुरक्षा के साथ ट्रैफिक की भी व्यवस्था है बेहतर। जमकर उठाए महोत्सव का लुत्फ। और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर केसरिया हिंदू युवा वाहिनी महिला प्रकोष्ठ की कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चौराहा स्थित विवेकानंद की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि।